Hey guys, welcome back to our channel. This is your boy Sabi Juice. And I'm Megan. I thought you were going to do the introduction to the reaction. Okay. We are going to be reacting to the final scene in Koi Mil Gaya. Finally. Are you excited? Yes. I'm excited. How have you been liking the movie so far? I love it. You love it? Mm-hmm. And I hope you guys are enjoying our reaction to this movie. Yeah, it's been fun so far. Thank you so much guys for, you know, constantly showing us your support. We will be starting a new movie reaction series. I hope you guys have been enjoying this one so far. If you have suggestions as to what we should do next, please leave a comment down in the comment box below. We would love to hear your response because, you know, we always listen to you guys, right? Yep. So without further ado, let's react to the last scene and we shall talk more after the reaction. Mm-hmm. उस दिन तो बहुत कूद रहे थे आज फिर हमारे ऊपर से कूद के जाओ नीचे क्या देखता है क्या है इस बैग में Whoa! Just don't snap your neck. Oh no, one got away. Two. No. So it's finally going to be caught. Rohit to the rescue. I
I like how he's changed completely. Oh no! How did that happen? I don't know. He's like, I swear to God. I'm just confused. He somehow got out. Yeah, but where did he go though? Oh. Inspector Khan just told me that you are not going to be able to do this. You are not going to be able to do this. मेरे घर पे छुपाते मेरे मम्मी डैडी बाहर गए हुए नहीं मेरा घर ठीक रहेगा कोई सोचेगा भी नहीं कि जादू कलेक्टर के दोस्त के घर में हो सकता है लेकिन इस तरह से कब तक छुपाए रखोगे कभी न कभी तो पकड़ा ही जाएगा ना नहीं मैं जादू को लेकर किसी और शहर में चला जाऊंगा एक बार पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी तो जादू को दुनिया में कहीं भी नहीं छुपा सकोगे रोहन तो फिर क्या करें हम इसकी जान बचाने का एक ही रास्ता है रोहित कि ये जहां से आया है वहीं वापस भेज दिया जाए नहीं ओह नो जादू से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता जब तक मैं हूं कोई से हाथ भी नहीं लगा सकता रोहित आंटी ठीक कह रही है तुम अकेले सारी दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते We'll take Jadu. Give him to us. Jadu, bichhadne ka dukh to sabka hoga. Magar teri jaane mein hi teri bhalai hai. Jadu, jayega. Ah. Jadu, nahi jayega. Oh. इसका मतलब इसके साथ वो सारी शक्ति भी चली जाएगी जो उसने मुझे दी That's a bummer. तू मेरी फिक्र मत कर जाता मैं पहले जैसा था फिर वैसे ही जी रहूंगा
कहीं वक्त ना निकल जाए। हम तुझे मिस करेंगे जादू। So they got the signal back. Thank you.
कसोली बेस कम इन प्लीज कसोली बेस में खान बोल रहा हूँ हम लोग बहुत जल्द वहां पहुंच रहे हैं नहीं चुंग जादू रोहित रोहित नहीं चुंग माँ जादू कहाँ है माँ वो जादू को ले गए कहाँ ले गए मैं बताता हूँ हाँ मैं मैंने ऐसा प्यार ऐसी दोस्ती कहीं नहीं देखा है वो तुम्हारे दोस्त को दिल्ली से अमेरिका ले जा रहे हैं रोहित अगर तुम्हें जादू के एहसानों का बदला चुकाना है तो यही वक्त है बेटे जा और उसे बचाकर ये साबित कर दे कि दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है जा रोहित The rest of the ones are coming. Go, Rohit, go, go, go! Oh, nice. Stay in the control of the tractor. Almost. Oh. Bazooka! The sound of my wife microwave. Thank you. Here they are.
that how happy Jadoo is. I want to go in there. Let's get a good place. The place where I will serve pancakes. सोमकोरा जी न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट कसौली टाउन से रिपोर्ट कर रही हूं, जहां विशेष अदालत ने कल इस बुनियाद पर रोहित मेहरा को बरी कर दिया कि वो दिमागी तौर पर नॉर्मल नहीं है। आज यहां कसौली टाउन की जनता रोहित मेहरा का सत्कार करने के लिए जमा हुई है, क्योंकि रोहित मेहरा ने उस एलियन को जिसे वो अपना दोस्त मानता है उसको अपनी दुनिया में वापस भेज कर इंसानियत और दोस्ती की एक नई मिसाल कायम की है। आइए हम सब भी मिलकर रोहित मेहरा का सत्कार करते हैं। Good shot. देखा आंटी, रोहित ने कहा था ना एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। देखो कितना बड़ा आदमी बन गया। थैंक यू, थैंक यू।
मिस यू चैट। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। जादू अपनी दिव्य शक्ति वापस ले गया, मगर मेरा प्यार तो नहीं ले गया ना। हीरो बन रहा था ना? Not these guys. अबे देख क्या रहा है? Come on. जिसके भरोसे दूर रहा था, वो तो गया। अब बॉल पास करके देखा। हाँ ले जा अपनी चूड़िया भी पहना देना इसे। Parts back, Jadu went back to his home planet or wherever he's up there. It's a good movie, really liked it. Yeah, big kudos to Hrithik Roshan, because like he did not play his split personality as such, but like just the way he was easily able to like switch between the mentally challenged kid versus an adult was like just amazing. And the intense look that he had in those fighting sequences, I was like, whoa, like he looks so different. Yeah, but I guess, you know, that that's how the whole movie was based on, right? Like with getting powers and things like that. But this was just an amazing movie. Yeah, nothing more to say. Yep, totally enjoyed reacting to all of the scenes. Anything else that you want to add? No, it was just a good way to end it. Mm-hmm. So, how would you rate this movie? 10 out of 10. Nice. I'm glad you enjoyed it. Yeah. I'm hoping that you guys enjoyed our reaction to this whole movie as well. And like we mentioned before, if you have any suggestions as to what we should do next, do let us know in the comment box below. Please, follow us on social media platform. All of the other ways to reach out to us will be in the description box below as well. So please take a second to check it out. That was it for this video. We'll see you guys in the next video. Until then, time out. If you guys like this video, you guys know the drill. Like, share, comment, subscribe, and hit the bell icon notification button so you don't miss any other update. And if you guys have more such videos, please do send them our way. All of the details will be in the description box below. And don't forget to check out our other videos and follow us on social media.